हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सेप्टिक स्टार में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिक केटल। आज मैं बताऊंगा आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक केटल को रिपेयर कर सकते हैं खुद ही अपने घर पे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें आखिर तक। देखिए, ये है हमारी इलेक्ट्रिक केटल। इसकी कैपेसिटी है 1.5 to 2 लीटर और जो पावर कंजप्शन करती है इसकी है 1500 वाट। केटल में हमारी ये प्रॉब्लम है, ये भी वर्क नहीं कर रही है। इसका नीचे वाला पार्ट होता है, इससे हम एक केटल को पावर सप्लाई मिलती है। ये देखिए, ये 1.8 लीटर 1500 वाट। इसका बेस पैनल जो है ये पावर सप्लाई है इसकी। तो पावर सप्लाई में बहुत कम चांसेस होते हैं फॉल्ट होने के। तो पहले हम इसको प्लग इन करके देखते हैं, इसमें पावर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो चलिए चेक कर, देखिए यहाँ से स्विच ऑन करते हैं। अब ये ऑन कर दिया हमने, ये देखिए अब ऑन करेंगे हम इलेक्ट्रिक केटल को। देखिए इसमें कोई पावर नहीं आ रही है। देखिए इसमें हमारा स्विच लगा हुआ, पहले इस पैनल को हम ओपन करेंगे अपने, उसके बाद चेक करेंगे थर्मल शेडिंग क्या प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्विच, स्विच को ओपन करेंगे हम। देखिए इस तरीके से, ये इसमें लगा हुआ हमारा थर्मोस्टेट। पहले इसको चेंज करके हम दूसरा इसमें थर्मोस्टेट लगा के देखते हैं, उसके बाद हम अगर उससे भी नहीं चलेगा तो फिर नीचे इसमें एलिमेंट होता है, जैसे ये केटल हमारी गर्म होती है, फिर उसको ओपन करेंगे। पहले स्विच चेंज करके देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये है हमारा इलेक्ट्रिक केटल का न्यू स्विच। इसको हम रिप्लेस करके देखेंगे, पुराने को निकाल के इसको लाए पहले लाएंगे और चेक करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक केटल वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इसका स्विच ख़राब हो जाता है क्योंकि थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसमें। तो देखिए हमारा थर्मोस्टेट स्विच, इसको हम चेंज करते हैं, दूसरा स्विच इसमें रिप्लेस करके देखते हैं। देखिए हमने स्विच निकाल दिया। देखिए दोस्तों, ये है हमारा पुराना स्विच जो उसमें से इलेक्ट्रिक केटल में से हमने निकाला। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कॉपर के पार्ट्स लगे हुए हैं वो थोड़े बर्न हो गए, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। हम अपने दूसरे स्विच को इसमें इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं आप, इसमें जो कॉपर की प्लेट अंदर लगी है थोड़ी बर्न होगी और ये हमारा नया स्विच है। तो इसको रिप्लेस करते हैं, नया स्विच डालते हैं। ठीक है सर, जैसे हमने इसको रिमूव किया था उसी तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। पहले कनेक्शन कर देंगे इसके दोनों टर्मिनल में। देखिए इस तरीके से, स्विच लगा दिया हमने, ये हमारा स्विच कवर, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए स्विच कवर को भी इंस्टॉल कर दिया हमने। अपनी केटल को हम ऑन करके देखेंगे कि वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये देखिए दोस्तों, हमने कर दिया स्विच को ऑन और ये हमारी केटल। अभी हमने इसमें थर्मोस्टेट स्विच चेंज किया है, तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी केटल अब वर्क कर रही है, देख सकते हैं आप।
ये है हमारा कवर, हैंडल कवर, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब स्विच ऑन करेंगे, ये देखिए स्विच ऑन कर दिया हमने। अब केटल को ऑन करते हैं, देखिए केटल हमारी ऑन होगी। तो आप भी इस तरीके से अपनी केटल को इजीली घर पर रिपेयर कर सकते हैं। देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है इसमें।